आज के अभिनंदन कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र जी, उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, सभी माननीय सांसदगण और मंच सम्मानित मंच, मंच के नीचे बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित जनता प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी और पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्तागण और उपस्थित हमारी महिला बहन, आज का दिन हम लोग के लिए बहुत ही शुभ दिन है, खुशी का दिन है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दूसरा बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इसमें हम लोग गौरवान्वित है और उन्हीं के खुशी में हम लोग सभी लोग एकत्र हुए हैं, खासकर बिहार झारखंड। जब हम लोग साथ थे, झारखंड से हम लोग का बहुत लगाव है, इसलिए झारखंड और बिहार जब हम लोग साथ थे तो हम एक दूसरे के अंग थे, आते जाते थे। आज भी हम लोग एक दूसरे के हैं, क्योंकि झारखंड बिहार हमारा संबंध बना हुआ है। जब यहाँ पर नवंबर में चुनाव होने वाला है तो मैं अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी से मैं कहना चाहती हूँ कि पार्टी के मजबूती के लिए अभी से यहाँ से संकल्प लेके जाए और पार्टी के हित में काम करे कि आने वाला दिन में हम लोग का भी विधायक हो और यहाँ मंत्री बने, विधायक बने। आने वाला दिन में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, हमारे पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के मात्र 5 सीट मिला था। ये आपके सामने हम लोग 5 सांसद जी आए हुए हैं। अगर हमको अफसोस हो रहा है, दुख भी है, अगर हमको उस समय 10 सीट भी मिलता तो हम 10 सीट भी बिहार से जीत के आते। आगे मैं कहना चाहती हूँ कि पहले बूथ को मजबूत कीजिए, तब हम लोग चुनाव जीतेंगे, और पार्टी के हित में काम कीजिए और समय समय पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शक मिलेगा। हम लोग भी यहाँ झारखंड में आप लोग के साथ बैठ के पार्टी के मजबूती के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।